एक अभी चल रहा है ट्विटर पे अब्बा जान जी, क्या है अब्बा जान? तो ये आप अब्बा जान सबसे बेहतर अगर आपको किसी से पूछना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी से पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, अशोक सिंगल से पूछिए, मुख्तार अब्बास नकवी से पूछिए, सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए, ठीक है, शाहनवाज हुसैन से पूछिए, इन लोगों से पूछिए। ये आपको बेहतरीन और अच्छा मतलब बताएंगे कि आखिर अब्बा जान का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाषा से तो आप सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जब एक बार माइक लगा दिया जाता है तो किस प्रकार के शब्दों का वो उच्चारण करते हैं, वो पूरे नेशनल चैनल से लेकर तमाम जगह पर वो वीडियो वायरल थी, आप सभी ने देखा था। तो इनकी भाषा की तो आप बात ही मत करिए। और अब्बा जान, क्या योगी जी अपने पिताश्री को भी अब्बा जान कहते थे? ये किस तरीके की भाषा, शब्द और शैली का प्रयोग किया जा रहा है? हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं तो क्या आप हमारे लिए भी ऐसा ही कहेंगे? ये बीजेपी के लोग बताइए ना, इनको हर चीज से दिक्कत है। इन्हें इस देश के अंदर हर हर महादेव के नारे से दिक्कत है कि जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया। भैया लोग महादेव को माने चाहे राम को माने, आप बताने वाले कौन होते हो? आपसे पूछ के लोग मानेंगे? क्यों दिक्कत हो रही है अब्बा जान से? कोई गलत शब्द नहीं, हमने तो नहीं कहा कि कोई दिक्कत है, हमने तो ये कहा है कि इस अब्बा जान शब्द का बखूबी आपको बेहतर मतलब आपको पार्टी के नेता बता सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से करा रखी है, वो आपको बखूबी अच्छा मतलब बताएंगे। हमने तो नहीं कहा कि ये गलत बयान है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है भैया। एक और जी, सेन में दो दिन से चल रहा है जी कि पेपर में एक फोटो छपा है जो कोलकाता की है जी, कोलकाता फ्लाईओवर को दिखाया जा रहा है यूपी में। हाँ तो आप ये देखिए ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई विकास है नहीं, तो भाई आप इनकी मजबूरी को समझिए ना, आप क्यों मजाक उड़ाते हैं किसी की मजबूरी का? भाई माना योगी जी ने विकास नहीं करा, उनके पास लगाने को कोई फोटो नहीं है तो लगा रहे कलकत्ता की फोटो। आपको तकलीफ है कोई? आपको जलन हो रही है उस फोटो से? बताइए, अगर योगी जी ने माना, योगी जी ने नाम बदला है, कोई काम नहीं करा है, तो बिचारों के पास तस्वीरें भी कहां से होंगी? जब काम करते तभी तो तस्वीरें आती, जब काम ही नहीं किया तो तस्वीरें कहाँ की होंगी? तो तस्वीरें तो वो लगा लेते हैं, कलकत्ता की भी लगा लेते हैं, और न्यूज़पेपर वाले कभी कभी फैक्ट्री जो है वो अमेरिका की भी लगा देते हैं, और बाद में माफी भी मांग लेते हैं। तो बोलिए धन्यवाद योगी जी। हम क्यों बोले धन्यवाद योगी जी? आप कहते हैं विकास नहीं किया, एक और चीज ट्रेंड कर रहा है। हाँ जी बताइए, उच्च शिक्षा यूपी की पहचान। अच्छा, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अब उच्च शिक्षा नहीं, आप ये देख लीजिए यूपी के अंदर स्कूलों के अंदर जो पानी भरा था ना, वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ अलीगढ़ में खड़े होकर, वहाँ पर आज उन्होंने खूब लंबी लंबी छोड़ी। और मेरे को लगता है कि वो समय दूर नहीं कि जब मोदी जी की रैली के अंदर इंसानों की जगह पे गधों को खड़ा किया जाएगा। अब आप लोग तकलीफ में होंगे कि गधे क्यों खड़े किए जाएंगे, क्योंकि इनके लंबे लंबे जुमलों का बोझ अब इंसान नहीं उठा सकता, इनको उठाने के लिए गधों की जरूरत है। तो इसलिए अब मोदी जी की रैली में निश्चित तौर पर गधों को खड़ा किया जाएगा। और आपको बता दूं, यो मोदी जी ने कहा कि भैया अलीगढ़ के अंदर क्यों ना कल्याण सिंह की याद आ गई। मोदी जी को कल्याण सिंह के अलावा उन हिंदुओं की याद नहीं आई जिन हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया, जिन हिंदुओं की लाश को लकड़ी नहीं मिली, जिन दलितों की बेटी के साथ बलात्कार हुआ? क्या मोदी जी ने एक बार भी अपने भाषण में उस बेटी के बारे में जिक्र करा कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उस बेटी को आवास दिया जाएगा, आज तक उसे आवास नहीं मिला? तो क्या मोदी जी ने जिक्र करा इस बात का? और आपको एक बात बता दूं कि अलीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, अलीगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर है एक जगह है जिसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आपने देखा होगा कि डेंगू के कितने ज़्यादा मामले हो रहे हैं। मोदी जी क्या फिरोजाबाद नहीं जा सकते थे? या फिरोजाबाद इसलिए नहीं गए क्योंकि बच्चे जो हैं वो वोट बैंक नहीं है? बच्चे वोट बैंक नहीं है तो क्या इसलिए बच्चों को देखने के लिए फिरोजाबाद नहीं जाया गया मोदी जी से? बताइए आप इस बात का जवाब। मोदी जी ने बात करी तीसरी कि जो उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, अपराध कैसे खत्म हो गया? और कह रहे हैं कि आप अपराधी गले में तख्ती लगा के घूम रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। क्या आपने देश के गृह मंत्री के गले में कोई तख्ती देखी? क्या देखिए आपने गृह मंत्री के गले में कोई तख्ती? वो भी तो तड़ी पार हैं, क्या उनके गले में तख्ती आपने देखी? मुख्यमंत्री के ऊपर खुद मुकदमे चल रहे थे, मुख्यमंत्री के गले में तख्ती देखी क्या आपने? बताइए, उनके ऊपर भी तो मुकदमे चल रहे थे। तो इन्होंने अपराधियों को स्वयं अपनी पार्टी के अंदर सम्मिलित किया और उसके बाद कहते हैं कि अपराधी समाप्त हो गए। तो जब आप अपराधियों को अपनी पार्टी में ले लेंगे तो अपराधी तो समाप्त हो ही जाएंगे। ऐसे अपराधियों को जो जनता है चुनती क्यों? जनता की गलती है ना।
देखिए निश्चित तौर पर जनता की गलती है, और उस जनता की गलती में हम और आप दोनों आते हैं, और जनता इस बात को और इस गलती को स्वीकारती है। जिनको आप और हम अंधभक्त कहते हैं, उनके दिल में भी सीने के अंदर एक दिल है, जो दिल इस हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, निश्चित तौर पर धड़कता है। लेकिन जब आप लोगों को दंगा ही परोसेंगे, जब आप उनको गलत ही दिखाएंगे, तो कहां से वो लोग सच्चाई की बात करेंगे। इस देश की मीडिया एनडीटीवी जैसे चैनलों को आपने देखा होगा कि हैथवे केबल नेटवर्क से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है भाई? अंबानी साहब क्या चाहते हैं कि मीडिया जो उनका मन करे वही परोसे? मीडिया सिर्फ मोदी जी की जो उनकी वाहवाही है, उनकी तारीफों के पुलिंदा पुल हैं, उनको ही दिखाया जाए? नरेंद्र मोदी जी कोरोना के काल में तीसरी बार विदेश का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोरोना के काल के अंदर तीसरी बार विदेशी दौरा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आज गुजरात के अंदर जामनगर से लेकर तमाम जगह पानी के अंदर डूबी पड़ी है। क्या मोदी जी ने एक बार भी वहां का जायजा लिया, या मोदी जी ने वहां की बात करी? तो आप लोग सोच लीजिए, ये सरकार सिर्फ देश के अंदर लोगों को जाति के आधार पे, कास्ट रिलीजियन और धर्म के आधार पे बांटने का काम करती है। बाकी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के अलावा या फिर भारत जलाओ पार्टी के पास कोई ना एजेंडा है, ना ही कोई मुद्दा है जिसके नाम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए।